हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ कि हम कैसे यहाँ पे मैसेज टोन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। चलिए मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूल। तो गाइस आपको लेना आपका यहाँ जाना है मोबाइल सेटिंग पे। तो गाइस यहाँ पे मोबाइल सेटिंग पे चलते हैं। तो गाइस जैसे मैं आपको बता दूँ, आपके यहाँ पे काफ़ी सारी आइकन दी गई है, जिसमें से गाइस आपके यहाँ पे मोबाइल सेटिंग के आइकन पे जाना है। तो गाइस जैसे मैं आपको बताया तो आपका मोबाइल सेटिंग है उनको ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के बाद आप गाइस क्या कर लेना, जैसे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फंक्शन दिखाई दे रही होंगी, जिसमें से गाइस आपका मिल जाएगा साउंड और वाइब्रेशन का ऑप्शन। तो गाइस चलिए हम गाइस साउंड और वाइब्रेशन का ऑप्शन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको साउंड और वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको मैंने ओपन कर लिया। अब गाइस यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद आप गाइस क्या कर लेना, जैसे गाइस मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे काफ़ी सारी फंक्शन दिखाई दे रही होंगी, जिसमें से गाइस आपको यहाँ पे मैसेज टोन पे क्लिक कर लेनी है। क्लिक कर लेने के बाद आप गाइस क्या कर लेना, यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ कर लेनी। कस्टमाइज पे गाइस आपको क्लिक कर लेना। फिर गाइस आपको क्या मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे गाइस आपको फाइल में कुछ क्वेश्चन साउंड सब आएंगे, जिसमें आपको क्लिक करके यहाँ पे सेट कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको कस्टमाइज हो जाएगी और यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है। और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।